हाँ तो भाई, ऑटो मेकर्स की दुनिया में रोल्स रॉयस का दूसरा नाम है लग्जरी। ऐसी लग्जरी जिससे झलकता है पावर, पोजीशन और क्लास। रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे महंगी कार बनाती है, जिनकी कीमत लाखों में नहीं करोड़ों में होती है। इनकी सबसे सस्ती कार 7 करोड़ की है और सबसे महंगी कार 200 करोड़ की। पर क्या आपको पता है, ये कंपनी सिर्फ कार ही नहीं बनाती, इसके साथ ही ये कंपनी एयरक्राफ्ट इंजन भी बनाती है। और एयरक्राफ्ट इंजन बनाने वाली ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। पर कैसे इस कंपनी की शुरुआत हुई, कैसे एक न्यूज़पेपर बेचने वाले लड़के ने इस कंपनी को खड़ा किया, ये जो मकाम इस कंपनी ने पाया है, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रोल्स रॉयस की इस अनसुनी कहानी को। आज के समय में इतनी फेमस हो चुकी इस कंपनी की शुरुआत एक ऐसे आदमी ने की थी जिन्हें बेहद ही गरीबी का सामना करना पड़ा था। इनके पिता की जल्दी डेथ हो गई, जिसकी वजह से उन्हें बचपन में ही घर चलाने के लिए न्यूज़पेपर बेचना पड़ा था। तो भाई, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उनका नाम है फ्रेडरिक हेनरी रॉयस। इनका जन्म इंग्लैंड के एक छोटे से गाँव में हुआ था। गाँव में उनकी एक आटा मिल की दुकान थी, पर यह काम अच्छे से नहीं चल पाया, इसलिए उनका परिवार लंदन में आकर बस गया। काम की तलाश में कुछ सालों बाद वो इंग्लैंड के एक पीटरब्रो नाम की जगह पर चले गए, जहाँ पर उन्होंने नॉर्थ रेलवे में काम किया। उसके कुछ सालों बाद वो वापस लंदन लौट आए। यहाँ पर उन्होंने लाइट एंड पावर कंपनी में काम किया, जिसमें उनको सड़कों पर लाइट लगाने का काम करना पड़ा। अब तक हेनरी ने अपनी कमाई से कुछ पैसे बचा लिए थे और इन्हीं पैसों को लेकर उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ छोटी सी कंपनी खोली, जिसका नाम उन्होंने FH रॉयस एंड कंपनी रखा। दरअसल ये कंपनी इलेक्ट्रिक क्रेन और बिजली के छोटे छोटे डिवाइस बनाने का काम करती थी। ये काम करते करते उन्होंने 1899 में अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा लिया, पर आगे चलकर जर्मनी और अमेरिका से आने वाले सामानों के चलते कंपनी को घाटा होने लगा था, जिसकी वजह से हेनरी ने इन सारे काम को छोड़कर गाड़ी बनाने का फैसला किया। ईयर 1901 में ऐसे बहुत कम लोग थे जो गाड़ी बनाने पर काम कर रहे थे। इसी बात को जानकर हेनरी ने 2 कारों को खरीदा, उसमें कमियों का पता किया, अपना एक प्लान बनाया और 1904 में अपनी खुद की 3 कारों को लॉन्च किया, जिसमें से उन्होंने एक कार अपने बिजनेस पार्टनर को दी, एक कार खुद के पास रखी और एक कार को हेनरी एनमंड नाम के आदमी को बेचा। हाँ तो भाई, अब यहाँ से रोल्स रॉयस के दूसरे फाउंडर की कहानी शुरू होती है, जिनका नाम था चार्ली रोल्स। दरअसल हेनरी ने जिस आदमी को कार बेची थी, जिनका नाम हेनरी एनमंड था, वो चार्ली रोल्स के अच्छे दोस्त थे। चार्ली रोल्स का लंदन में एक बड़ा सा कार का शोरूम था। जब उन्होंने हेनरी की कार को देखा, तब उन्हें वो बहुत पसंद आ गई और वो दोनों पार्टनर बन गए। 23 दिसंबर 1904 को दोनों के बीच एक बिजनेस डील हुई, जिसमें हेनरी रॉयस की बनाई हुई कारों को चार्ली रोल्स खरीदेंगे और वो सभी कार रोल्स रॉयस के नाम से जानी जाएंगी। दिसंबर 1904 में उन्होंने अपनी पहली कार रोल्स रॉयस 10 HP को लॉन्च किया। उसके 3 साल बाद यानी ईयर 1907 में सिल्वर घोस्ट नाम की सुपर कार को बनाया, जिसे लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया। उसके 3 साल बाद एक हवाई दुर्घटना में चार्ली रोल्स की मृत्यु हो गई और अब हेनरी अकेले पड़ गए थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। ईयर 1914 में रोल्स रॉयस ने कारों के अलावा हवाई जहाज के इंजन बनाने भी शुरू कर दिए। सबसे पहले उन्होंने ईगल इंजन का निर्माण किया। ईयर 1921 में उन्होंने स्प्रिंगफील्ड घोस्ट नाम की कार बनाई और इसे भी लोगों द्वारा खूब पसंद किया गया। ईयर 1930 में रोल्स रॉयल्स ने बेंटली नाम की एक स्पोर्ट कार बनाने वाली कंपनी को खरीद लिया, लेकिन उसके 3 साल बाद यानी 1933 को हेनरी रॉयस की भी मृत्यु हो गई। इस तरीके से रोल्स और रॉयस दोनों के मृत्यु के बाद कंपनी को कई उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ा। आखिरकार 1998 में रोल्स रॉयस को बेचने का फैसला किया गया, जिसमें इस कंपनी को फोक्सवैगन को बेचा गया, पर इसके लोगों को BMW को बेचा गया। इसका मतलब यह है कि जो रोल्स रॉयस की गाड़ियां हम आज देखते है वो नहीं है जो ये हुआ करती थी, क्योंकि ओरिजिनल कंपनी कब की खत्म हो चुकी है। ये थी कहानी रोल्स रॉयस की। अगर आपको ये वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।